संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ॐकारय नमो ഗുണം വല്ലഭം ലോകവല്ലഭം സമുദ്രം മോദദാത്തം ഇന്ദ്രദിന്നം നമ ना कर्म लता गहने मोहंधकार धुरे भ्रांता नामि हृदे नाम कृते कारुण्यपुत्म थे सही प्रथिता सुधारस गिरो रम्या गिरा पानु वह रम्या परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन परम श्रद्धेय गुरुचरण धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा हो एक व्यक्ति घर से तैयार होकर के निकला रास्ते पर आया आगे से एक व्यक्ति मिला उस व्यक्ति ने जैसे उस व्यक्ति के साथ हाथ मिलाया और कैसे हो क्या हाल है जैसे अपने सबसे मिलते हैं उसने कहा बढ़िया है अच्छा है भाई सामने से जो व्यक्ति आया उसने कहा कि क्या बात है आज कुछ ठीक नहीं हो उसने कहा नहीं सब ठीक है वह व्यक्ति आगे बढ़ा थोड़ी आगे गया तो दूसरा मित्र मिला उससे हाथ मिलाया और क्या हाल है बिल्कुल बढ़िया है आप सुनाओ बातचीत में दूसरे व्यक्ति ने कहा कि क्या बात है आज कुछ ठीक नहीं लग रहे हो उसने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है उसने कहा ठीक है निकल गए आगे थोड़ी आगे गए तो तीसरा व्यक्ति मिला उसने हाथ मिलाया और कहा कि और क्या बात है चेहरा उतरा हुआ है उसने कहा ऐसा तो नहीं मैं तो घर से ठीक ठाक निकला था पहले व्यक्ति ने कहा चलो बात टाल दी दूसरे ने कहा अनसुना सा कर दिया अब तीसरे ने कहा मामला कुछ गड़बड़ है मैं तो ठीक हूं लेकिन ये सामने वाले मुझे कह रहे हैं कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो आज चेहरा उतरा हुआ है आज कुछ स्वस्थ नहीं हो उसके मन में अब क्या आने लगा कि मैं अच्छा भला था लेकिन ये लोग कह रहे हैं इस कारण से आज मैं कोई ठीक नहीं हूं अब उसके मन के विचार बदले भावनाएं बदली कि हो ना हो कुछ गड़बड़ है लगता तो नहीं है मैं बीमार हूं लेकिन ये लोग कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है हो सकता है कि आज मैं ठीक ना हूं आगे गया चौथा व्यक्ति मिला अरे क्या बात है भैया आज क्या बात है क्या तेरे को क्या हो गया अरे आज बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा तू उसने कहा हो गया बंटाधार बस अब तो पक्की बात है निश्चित तो हो गया अब कुछ ना कुछ गड़बड़ है आज मैं बीमार ही हूं और उसके मन के अंदर अब चल लगा कि आज मैं बीमार हूं आज मैं ठीक नहीं हूं और घर से दुकान पहुंचते पहुंचते उसको बुखार 104 चढ़ गया अच्छा वाला निकला था और 104 का टेम्परेचर आ गया उसको और सीधा वहां से घर पहुंच गया कि आज मैं ठीक नहीं हूं अच्छे भले व्यक्ति को बीमार किसने किया उसके खुद के ही विचारों ने वो व्यक्ति बीमार नहीं था अच्छा भला था लेकिन पहले ने कहा दूसरे ने कहा तीसरे ने कहा चौथे ने कहा और उसने अपने आप को बीमार मान लिया उसके विचारों में उसकी भावनाओं में ऐसा परिवर्तन आया ऐसा परिवर्तन आया कि उसको लगने लगा कि ये जो व्यक्ति बाहर के कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं निश्चित में बीमार हूं और धीरे धीरे उसके हाथ पैर कमजोर होने लगे धीरे धीरे उसका शरीर टूटने लगा धीरे धीरे उसका उत्साह ठंडा पड़ने लगा धीरे धीरे उसको भीतर में से बुखार आने लगा और करते करते अपने विचारों से अपने भावों से वो बीमार हो गया हमारे विचार हमें कितना प्रभावित करते हैं अच्छे भले व्यक्ति को बीमार कर देते हैं कोई व्यक्ति आपके सामने मिलने के लिए आए और आपको क्या बात है पहले से बड़े कमजोर लग रहे हो बस इतने में तो वो अच्छा भला व्यक्ति लगने लगेगा कि इनसे कह दिया मैं कमजोर लग रहा हूं यानी कि मैं पहले से अब ठीक नहीं हूं और यही दूसरी तरफ जाए कोई बीमार व्यक्ति हो और उसको अब अरे आप तो बहुत ठीक लग रहे हो पहले में आया था तब ऐसे थे अब तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो अरे बहुत अच्छे लग रहे हो पहले से आपका स्वास्थ्य सुधरा है तो वो क्या सोचेगा मैं ठीक हो रहा हूं उसके भीतर पॉजिटिविटी पैदा होगी वो बीमार हैं लेकिन यदि आपने उसके विचारों से उसका इलाज कर दिया कि भैया तू ठीक हो जाएगा अब तो तेरे में फर्क पड़ गया अब तो तेरा चेहरा भी सही लग रहा है सेहत भी पहले से अच्छी लग रही है अब तू पहले से ठीक लग रहा है और उसके विचारों से उसका इलाज हो जाएगा वो बीमार व्यक्ति भी दिवाई से नहीं वो तुम्हारे विचारों से ठीक हो जाएगा डॉक्टर के पास दो चीजें हैं डॉक्टर के पास दो चीजें हैं एक है ट्रीटमेंट और एक है ट्रीट करना व्यक्ति पहले किससे ठीक होता है डॉक्टर आपको कैसे ट्रीट करता है ट्रीटमेंट तो बाद में आएगा पहले तो आप डॉक्टर के पास गए हो डॉक्टर आपको कैसे बुलाता है कैसे आपको समझाता है कैसे देखता है कितने प्यार से आपसे बातचीत करता है मरीज का आधा इलाज तो डॉक्टर के ट्रीट करने से ही हो जाता है ट्रीटमेंट तो बाद में आता है बीमार व्यक्ति को भी ठीक किया जा सकता है अगर हम उसके विचारों को बदल दें और अच्छे भले व्यक्ति को भी बीमार किया जा सकता है अगर हम उसके विचारों को नेगेटिविटी में डाल दें हमारे विचार हमारी भावनाएं हमें कितना प्रभावित करती हैं इसीलिए उपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने सारी बीमारियों की जड़ सभी रोगों का इलाज उन्होंने भावनाओं में ढूंढा इस जगत में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को जितने भी प्रकार के कर्म रोग हैं उन सभी कर्म रोगों का एक ही इलाज है कि हम अपने भावों को शुभ बनाते चलें, भावनाओं से बावित हो जाएं। शुभ मंगल भावनाओं से अपने मन को रमन करते रहें, रमाते रहें उससे क्या होगा कैसी भी स्थिति आएगी परिस्थिति आएगी घर में कितना भी दुख का वातावरण हो गमगीन वातावरण हो कोई कितना भी स्नेही स्वजन अपना प्यारा प्रिय यदि मर भी गया हो कोई जुदा भी हो गया हो कोई वस्तु भी खो गई हो किसी प्रिय का वियोग हो गया हो शरीर में बीमारियां आ गई हो रोग शोक का वातावरण हो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जब हमारा मन विषाद से भर जाता है चिंता से भर जाता है व्याकुल हो जाता है ऐसी स्थिति के अंदर में हमारे मन को यदि कोई स्थिरता देने वाला है शांति देने वाला है तो वह बारह भावनाएं हैं आप अपने मन को इन भावनाओं से भावित करते जाओ अगर दुख आया है तो दुख के सामने पीड़ा के सामने एक एक भावना आपके मन को निराकुल कर देगी शांत कर देगी ये ऐसी औषधि है भावनाओं की बारह भावनाएं अनित्य आदि और चार भावनाएं मैत्री आदि सोलह भावनाओं का विवेचन इन सोलह भावनाओं से यदि हम अपने आप को भावित करेंगे निश्चित हमारे जीवन का दुख दूर हो जाएगा और हमारा मन शांत हो जाएगा जीवन में क्या चाहिए पैसा चाहिए संपत्ति चाहिए जायदाद चाहिए परिवार चाहिए माल मिलकत चाहिए या जीवन में शांति चाहिए बोलो भाई जीवन में क्या चाहिए शांति अरे बड़े बड़े महलों में रहने वाले भी अशांति से भरे हैं बेचैन हैं, व्याकुल हैं व्यग्र हैं बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान भी पढ़े लिखे वह भी बेचैन हैं, उनके पास भी शांति नहीं बड़ा नाम है यश है प्रतिष्ठा है लेकिन शांति नहीं इसलिए जीवन में सबसे मुख्य तत्व है शांति और वो शांति का दरिया लेकर के शांति का अमृत कलश लेकर के आए हैं मोहोपाध्याय विनय विजय जी महाराज इन भावनाओं को बार बार हमें सुनना है बार बार अपने मन को भावित करना है यदि हम बीमार हैं तो हम स्वस्थ हो जाएंगे भावनाओं का क्या बल है परिणाम है अभी आपको बताया कल भी बताया था एक हरे भरे वृक्ष को भी ठूठ कर दिया किसने हमारी मन की भावनाओं ने भावनाओं में कितना बल है चेतन ही नहीं जड़ को भी हमारे ये विचार प्रभावित कर देते हैं हमारा शरीर भी कमजोर हो सकता है बीमार हो सकता है केवल विचारों से सोचने से सोचने से स्वस्थ भी हो सकते हैं बीमार भी हो सकते है. इन्हीं भावनाओं से इन्हीं विचारों से हम उर्धम भी कर सकते हैं और इन्हीं विचारों को पलटने से हम उदोगन भी कर सकते हैं व्यक्ति कैसा है यदि उसकी पहचान करनी हो तो उसके विचार कैसे हैं उससे उसके व्यक्तित्व का पता चल जाएगा व्यक्ति के विचारों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है यदि हमारे विचार उदार हैं, यदि हमारे विचारों में करुणा है दया है पवित्रता है तो हम समझ लेना कि ऊर्ध्वगमन की ओर हैं और यदि हमारे विचारों के अंदर में हिंसा है यदि हमारे विचारों के अंदर में झूठ है कपट है छल है परेब है दूसरे को गिराने की भावना है तो समझ लेना कि हम अधोगमन की ओर हैं व्यक्ति के विचार व्यक्तित्व निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देते हैं जैसा विचार वैसा व्यक्ति वैसा व्यक्तित्व जब हम अच्छे विचारों में रहेंगे नेक विचारों में रहेंगे भले विचारों में मन को लगाएंगे तो हमारा व्यक्तित्व कैसा बनेगा अगर हम अच्छे विचारों में अपने मन को रमाएंगे तो हमारा व्यक्तित्व कैसा बनेगा अच्छा बनेगा और यदि हम अपने विचारों को बुरे बातों में भावनाओं में लगाएंगे तो हमारा व्यक्तित्व बुरा बनेगा अब हमारे ऊपर है कि हम अपने विचारों को कहां लगा रहे हैं हम अपने विचारों को संसार में संबंधों में विषय विकारों में पांचों इंद्रियों के विषयों में इसी में हम अपने मन को अपने विचारों को घुमाते रहते हैं घुमाते रहते हैं और परिणाम हमारा मन अशांत बना रहता है हमारा चित्त अशांत बना रहता है सरोवर है उस सरोवर का जल एकदम निर्मल और शांत है उस सरोवर के जल में यदि आप कंकर फेंकते हो तो जल में क्या बन जाता है तरंगे बन जाते हैं वो जो जल स्थिर था शांत था उसमें जैसे कंकर फेंका तो वो सारा जल अशांत हो गया और जैसे जैसे उसमें कंकर फेंकते जाएंगे वो जल अशांत होता जाएगा इसी तरह से हमारे मन रूपी सरोवर में जब तक हम अशुभ विचारों के कंकर फेंकते जाएंगे और हमारा यह मन की तरंगे अशांत करती जाएंगी। अब इसको शांत करना है या अशांत अशांत तो बना ही हुआ अपने मन को परमात्मा के स्मरण से भावित करो तुम जैसे विचार करोगे वैसे ही बन जाओगे हर व्यक्ति का निर्माण उसके विचारों से होता है अगर कोई व्यक्ति उदार है तो उसके पास में कोई भी आएगा तो उसको खुले दिल से देगा दे दे यार जाने दे और कोई व्यक्ति कंजूस है तो कंजूस है तो उसको देने में भी सोचना पड़ेगा उससे पता लग जाता कि इसके विचार इसका व्यक्तित्व कैसा है हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं जिसका स्मरण करते हैं वैसे ही हो जाते हैं जिसका ध्यान धरते हैं ध्यान धरते धरते वैसे बन जाते हैं याद करो जिस समय सीता को रावण अपहरण करके लंका ले गया अशोक वाटिका में सीता अकेली है कोई उसके साथ नहीं रावण प्रतिदिन सीता के पास आता है और उसके बावजूद भी वह सीता घबराई नहीं वह सीता उस रावण के चंगुल में फंसी नहीं रावण के सामने सरेंडर हुई नहीं रावण की बात को स्वीकार नहीं किया कितने भय दिखाए उसने रावण ने हर तरह से डराया धमकाया पर वो सीता स्वस्थ रही जब भगवान राम सीता की खोज में निकले तो उन्होंने हनुमान को लंका भेजा जाओ सीता को पता करो कहाँ है हनुमान लंका पहुंचा ढूंढते 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 अशोक वाटिका में पहुंचा देखा तो वहां पर सीता बैठी है शांत चित्त से बैठी है एकांत में बैठी है जैसे हनुमान वहां गया परिचय हुआ सारी बातचीत हुई उसके बाद हनुमान ने कहा कि मां मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप सारा दिन सुबह से शाम यहां बैठी बैठी क्या करती हो अकेली हो ना किसी से बातचीत है ना मुलाकात है ना कोई अपना है सारा दिन सुबह से शाम तुम करती क्या हो कैसे तुम्हारा दिन निकलता है तब सीता ने कहा अरे हनुमान अरे यहां तो सुबह से शाम कब होती है पता ही नहीं चलता अरे मैं तो सारा दिन अपने प्रभु प्रभु का नाम लेती हूं सारा दिन अपने प्रभु राम का नाम उनका ध्यान उनका रटन उनका स्मरण उसी में खोई रहती हूं हनुमान ने कहा कि मां यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई ये बात कुछ समझ में नहीं आई सीता ने कहा अरे ये कौन सी गड़बड़ वाली बात हो गई अपने प्रभु का नाम लेना अपने प्रभु का स्मरण करना इसमें कौन सी गड़बड़ हो गई और उस समय हनुमान ने कहा कि मां यदि सारा दिन सुबह शाम दिन रात यदि तुम राम 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 जपती रहोगी तो मां राम जपते 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 सीता मिट जाएगी और तुम ही राम बन जाओगे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी उधर भी राम इधर भी राम तो तुम राम बन जाओगी सीता मिट जाएगी जिसका ध्यान धरते हैं वही बन जाते हैं तो सीता ने कहा हनुमान इसमें घबराने की क्या बात है तू क्यों डरता है अरे इधर जब मैं सारा दिन राम को भजती हूं और अगर मैं सीता से राम बन गई तो उधर राम क्या करते हैं वो सारा दिन सीता को भजते हैं वो सारा दिन सीता का ध्यान धरते हैं उनको मेरी चिंता है मेरा ध्यान है मेरा स्मरण है इधर में यदि राम भी बन गई तो उधर राम सीता बन जाएंगे जोड़ी तो फिर भी बनी रहेगी स्मरण करने से हम जिसका स्मरण करते हैं हम वही बन जाते हैं स्मरण करके देखो तो सही प्रभु का अभी तक उसको भजा ही नहीं है स्मरण ही नहीं किया वो अंदर उतरा ही नहीं उसको भावित ही नहीं किया रोम रोम में आत्मा के प्रदेश प्रदेश में उसको रमाया ही नहीं है हमारे यहां पर एक हमारी आंखों के सामने ही एक प्रत्यक्ष इसका प्रमाण आता है हमारे यहां पर भंवरे होते हैं भंवरे क्या करते हैं खेतों में से इलिका को उठा के लाते हैं इलिका को पहले मिट्टी का घर बनाते हैं आप देखोगे जगह जगह कई बार मिट्टी के छोट छोटे छोटे घरोंदे इकट्ठे कर देते एक एक कन छोटा छोटा मिट्टी का लाकर कितने बड़े बड़े वो मिट्टी के घरोंदे बना दे कितने मजबूत कुदरत ने क्या उनको कला दी है मिट्टी का घरोंदा बनाने के बाद में फिर वो इलिका को लेके आते हैं ग्रीन कलर की होती है इलिका और उस इलिका को उस मिट्टी के घर के अंदर में बंद कर देते हैं ऊपर से मिट्टी लगा करके पूरा उसको पैक कर देते हैं उसके बाद क्या करते हैं उस मिट्टी के घरोंदे के बाहर में वो ब्रह्मर जो है वो गुंजारव करता है गू गू गुंजारव और उसकी गूंज को सुन करके अंदर जो इलिका है वो इलिका उसकी गूंज की भावनाओं में खो जाती है उसकी गूंज में ही उसकी सुनती रहती है, उसको रमा लेती है अपने रोम रोम के अंदर में सब प्रदेश प्रदेश में उस भंवरे की गूंज को रमा लेती है और होता क्या है कि जब वो उसको मिट्टी के घरोंदे को फोड़ती है खोलती है तो डाली थी इली का और निकल आया भंवरा ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो इलिका भी भंवरा बन जाती है किसके कारण जब वो अपने रोम रोम के अंदर में उस गुंजारव को उस स्मरण को रमा लेती है भावित कर लेती है तो उसके हार्मोन्स बदल जाते हैं उसका शरीर बदल जाता है उसका सारा का सारा स्वरूप बदल जाता है और इलका भमरा बनकर के बाहर निकलती है आत्मा को परमात्मा बनाना है ना तो फिर किसको ध्यान पड़ेगा जो बनना है उसको सारा दिन पति के नाम की माला घुमाओगे तो फिर पति मिलेगा बच्चों के नाम की घुमाला घुमाओ तो बच्चे मिलेंगे संसार में जिसका ध्यान करोगे वो ही आएगा संसार का जिसका ध्यान करोगे और जिसका ध्यान संसार का करोगे वो जो भी आएगा वो दुख लेकर के ही आएगा क्योंकि संसार के पदार्थों का संयोग और संयोग के बाद में वियोग निश्चित है तो संसार का सत्य है यह कोई भी चीज स्थाई नहीं है अस्थिर है अनित्य है जो आज हमें मिला है यह सब कुछ जाने वाला है आप सोचो कि कायम रहेगा किसके पास कोई चीज कायम रही है किसी के पास कोई चीज कायम नहीं रही जो मिला है यह जाने ही वाला है जो शरीर भी मिला है यह भी जाने वाला है बचपन में हम कैसे थे युवानी में कैसे थे बुढ़ापे में कैसे हो गए हम कहां थे कैसे कैसे बदलते बदलते क्या स्वरूप में हो गए क्योंकि यह शरीर भी बदलता है पुद्गल का स्वभाव है और यदि हमने इसको समझ लिया इसको जान लिया तो पुद्गल से मन नहीं लगाओगे फिर उसके वियोग में दुखी नहीं होंगे हम यदि पुद्गल को छोड़कर के परमात्मा से मन लगाएंगे तो हमारे मन में राम रमते 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 एक दिन हम राम हो जाएंगे महावीर को भजते भजते एक दिन हम ही महावीर हो जाएंगे जिसको महावीर बनना है जिसको राम बनना है वो राम को भजे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे मेरा राम ही करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को भरे मेरा राम ही करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को भरे कि मैं काहे के लिए उदास हूं किस संसार के लिए मैं उदास हूं जिसके लिए उदास हूं उसमें से कोई मेरा नहीं है ऐसी भावनाओं से हमें भावित होना है मेरा तो मेरा परमात्मा है मेरा तो मेरा आत्मा है मेरा तो मेरे कर्म है मेरे संयोग हैं। बाकी तो सब चला जाएगा एक ही रहेगा वो मेरा आत्मा रहेगा मेरा परमात्मा रहेगा बाकी सब जाने वाला है हम यहां पर आए कितने महीने के लिए महीने के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था इतना बड़ा हॉल बढ़िया कमरे सब कुछ व्यवस्थाएं यहां पर लेकिन जिस दिन हमने यहां पर कदम रखा उसके बाद हमें पता है कि कार्तिक पूनम आएगी और हमें यहां से जाना है जब पहले ही हमें पता है कि हमें यहां से जाना है तो जाने का हमें गम होगा इसको छोड़ने का गम होगा क्यों पहले से ही मन को ट्रीट कर रखा है कि ये महल ये भवन ये बढ़िया सुविधाएं ये व्यवस्थाएं ये तो भैया पांच महीने की है फिर सड़क पर ही जाना है फिर नेशनल हाईवे ही मापने हैं फिर गाड़ियों का धुआं ही खाना है फिर ट्रैफिक में ही रहना है फिर फुटपाथ ही मिलने हैं फिर झोंपड़ियां ही मिलनी है फिर, फिर गोचरी पानी का भी ठिकाना मिले ना मिले जंगलों में से निकलना होगा नदी नालों में से पहाड़ों में से गुजरना होगा ये सुविधाएं तो पांच महीने की हैं, इसलिए इनसे दिल लगाना नहीं जो है इसका उपयोग करो और चलते बनो अगर इससे दिल लगा लिया अरे वहां पर कितना बढ़िया था ना और जिस दिन विदाई आएगी आप रोगे कि हम रोएंगे किसकी आंखों में आंसू होंगे कभी देखा गुरु भगवंत को विहार करते समय सब रो रहे हैं बिलख रहे हैं नहीं वो तो हंसते हंसते निकल जाते हैं आपके आंसू नहीं थमते और गुरु भगवंत हंसते हंसते विदा हो जाते हैं कारण जिस दिन वो आए थे उसी दिन उन्होंने इससे मन लगाया ही नहीं रह रहे हैं ठीक है रहना है पांच महीना इसी तरह से यदि हम अपने जीवन के घर में रहना सीख जाए हमारा घर यह हमारा नहीं है रैन बसेरा है कुछ साल रहना है कुछ महीने रहना है कुछ दिन तो रहना है फिर काहे के लिए अपनापन करना काहे के लिए मेरापन करना मेरेपन से मेरा होने वाला नहीं ये सब छोड़ के जाना है कुछ महीने की बात है सालों की बात है इसलिए दिल नहीं लगाना आसक्त नहीं होना मोह से नहीं घिरना जाना तो पड़ेगा ही तो फिर क्यों ना हंसते हंसते निकलो और यदि आसक्ति से निकले मोह से निकले तो फिर किसी ना किसी रूप में वहीं पर जन्म होगा घर से कितनी बार भी चूहे को पिंजरे में डाल के छोड़ाओ फिर वो आ जाता है सोच लेना अपने घर का कोई सदस्य रहा होगा बार-बार, बार-बार उसी घर में ये मोह है, ये आसक्ति है इससे हमारा निस्तारा नहीं होगा ये हमारे मन को चंचल करेगा चलित करेगा चलित ही नहीं विचलित करेगा हमारे मन को परेशान करेगा हमारे मन को दुविधा में डालेगा यदि हमने अपने मन को भावित कर लिया तो पीड़ाओं में भी दिक्कतों में भी समस्याओं में भी हम शांत रहेंगे और नहीं तो मन यदि भावित नहीं है तो अनुकूलताओं में भी परेशान रहेंगे याद करो आपको अभी एक प्रसंग सुनाया था आचार्य हरिभद्र सूरी महाराजा का कितने विद्वान थे 1444 ग्रंथों की रचनाकार थे कितना बुद्धिबल होगा कितना ज्ञान बल होगा लेकिन जैसे ही दो शिष्यों की हत्या हो गई उनका मन भी विचलित हो गया बेचैन हो गया वैर और विद्वेष से भर गया प्रतिशोध की ज्वालाएं जलने लगी इससे क्या पता चलता है कि उनके पास विद्वता तो थी लेकिन उनके पास में भावना नहीं थी ज्ञान था लेकिन उस ज्ञान का उपयोग कैसे करना इंप्लीमेंट कैसे करना मन को शांत कैसे रखना वो कला भूल गए इसीलिए मोहोपाध्याय विनय विजय जी महाराज मंगलाचरण के बाद दूसरी ही गाथा में फरमाते हैं स्फूर्ति चेतसी भावनया विना न विदुषा शांत सुधार सह नुखम कृषम विना जगति मोह विषाद विषाकुले कि मन की अशांति से केवल सामान्य व्यक्ति ही दुखी नहीं है अपितु विद्वान भी दुखी हैं पंडित भी दुखी हैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेने से पोथी पन्ने पढ़ लेने से अच्छे विद्वान पंडित बन जाने से शांति नहीं मिलती अच्छे अच्छे विद्वानों को पंडितों को उनको भी मन को अशांत देखा जा सकता है बड़े बड़े ऋषि योगी सन्यासी भी वह भी अशांत हो जाते हैं उनका मन भी गलानी से बढ़ जाता है विचलित हो जाता है बेचैन हो जाता है और इसके पीछे कारण क्या कारण मोह हरिभद्र सूरी का अपने शिष्यों के प्रति मोह था मेरे लाडले दोनों शिष्य दोनों को मौत के घाट उतार दिया और यही मोह उनके मन की व्याकुलता का कारण बन गया विद्वान थे पर मोह था साथ में इसलिए यहां पर उपाध्याय विनय विजय जी महाराज कहते हैं कि तुम ये मत समझना कि तुम बड़े जानकार हो गए तुमने बड़े ग्रंथ पढ़ लिए बड़ी किताबें पढ़ ली बहुत कुछ तुमने समझ लिया लेकिन जब तक ये भावनाओं से तुम आत्मसात नहीं करोगे खुद को तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी शांत सुधार इसका पान नहीं कर पाओगे क्योंकि मोह से क्या पैदा होता है विषाद पैदा होता है विषाद से व्याकुलता पैदा होती है व्याकुलता जिस मन में होती है वो मन अशांत हो जाता है इसलिए मूल में मोह है ये मोह का अंधकार है और सारे कर्मों का राजा यदि कोई है तो मोहनीय कर्म है कितने कर्म है मुख्य रूप से आठ कर्म है भेद प्रभेद कई है इन आठ कर्मों में सारे कर्मों का राजा महाराजा यदि कोई है तो वो मोह है ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से आपको अच्छी बुद्धि मिल सकती है यादा शक्ति मिल सकती है आप कितनी गाथाओं को कितने पन्नों को कंठस्थ कर सकते हो बहुत कुछ याद कर सकते हो पंडित बन सकते हो विद्वान बन सकते हो लेकिन जरूरी नहीं कि ज्ञानावरणीय के क्षय से आपका मोह भी चला जाए लेकिन जिसका मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है उसका ज्ञानावरणीय तो अपने आप दूर हो जाता है मोह का आवरण दूर होना ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है प्रज्ञवान बनता है और मोहनीय कर्म के क्षय से मोहनीय कर्म के क्षय से व्यक्ति वितराग बनता है हमको बुद्धिमान बनना है या वितराग बनना है क्या चाहिए अच्छी बुद्धि चाहिए अरे बुद्धि से ज्यादा जरूरी शुद्धि है ज्ञान कर्म तुम्हें बुद्धि में आगे बढ़ा देगा लेकिन मोहनीय का क्षय तुमको शुद्धि में आगे बढ़ा देगा यदि आत्मा की शुद्धि चाहिए तो पहला प्रहार मोहनीय कर्म के ऊपर करो मोहनीय कर्म को हमारे यहां कैसा कहा गया शराब पिए हुए व्यक्ति के समान शराबी व्यक्ति कैसा होता है शराबी व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुका होता है उसको भार नहीं होता शराबी व्यक्ति यदि नाले में भी गिरा है गंदी नाली में भी गिरा है वहां पर भी उसको स्वर्ग का आनंद आ रहा है लगता है मैं स्वर्ग में बैठा हूं उसको नहीं पता कि वो कहां गिरा है कहां पड़ा है किस स्थिति में पड़ा है सड़कों पर गिरे हुए हैं इधर उधर पड़े हुए हैं क्योंकि वो अपनी सुदबुद्ध खो चुका है मोहनीय कर्म की स्थिति ऐसी है कि संसार में हमारी सुदबुद्ध भुला चुका है हम ना जाने कहां कहां गिरे पड़े हैं और लगता है बहुत अच्छे स्वर्ग में बैठे हैं सब कुछ अच्छा है पता कैसा अच्छा है जैसे कोई शराबी हो और उस शराबी के चारों तरफ कूड़ा कचरा मेला सब कुछ उसके चारों तरफ गिरा हुआ हो कचरे के पेटी के पास पड़ा हो और ऐसी स्थिति में वो शराबी वहां पड़ा हुआ भी अपने आप को सुखी मान रहा है क्यों भाई क्योंकि उस शराबी को पता ही नहीं कि जहां वो गिरा है वो स्थान शुद्ध है या अशुद्ध है उसको भान ही नहीं है लेकिन होता क्या है जैसे जैसे उस शराबी को होश आने लगती है वैसे वैसे उसको लगने लगता है मैं कहां गिरा हूं अरे ये कचरे में कूड़े में गंदगी में नाली में अरे इससे तुम्हें तो शराब के नशे में ही अच्छा था कि कम से कम मुझे ये सब कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था सब अच्छा ही लग रहा था जैसे जैसे होश आ रहा है वैसे वैसे सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है वैसे वैसे चारों तरफ गंदगी दिखाई दे रही है वैसे वैसे मुझे चारों तरफ कचरा पेटी दिखाई दे रही है इससे तो मैं बेहोश ही अच्छा था नशे में ही अच्छा था सब कुछ ठीक तो चल रहा था लेकिन होश आने पर व्यक्ति को पता चलता है वो कहाँ पड़ा है हमारा भी मोहनीय कर्म ऐसा है अभी हम जहां पड़े हैं वो सब संसार की कचरा पेटी है और उस कचरा पेटी में मोह का नशा चढ़ा हुआ है हम पड़े हुए हैं सब कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन जैसे जैसे परमात्मा के वचनों से हमारा ये मोह का नशा उतरेगा और हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो लगेगा कि अरे कितना संसार का कचरा है कितना कर्मों का कचरा है कितना चारों तरफ गंदगी है मैं कहां पड़ा हूं और उसमें से हम निकलना चाहेंगे या तो हम फिर शराब पी करके वहीं पर सो जाएंगे या फिर निकलने के लिए पुरुषार्थ करेंगे अभी तक तो यहां से हम आपकी शराब उतारते हैं और यहां से चप्पल पहन के फिर शराब पी के निकल जाते महाराज जी ये मोह की शराब मत उतारो ये नशा अच्छा है नशे में रहने दो दो गुट पिला दे साथी या बाकी मेरे ते डोल दे वाह जी वाह ये जो दो गुट हमने पीने हैं प्रभु के वचनों से यह नशा उतरता है सही वस्तु का भान होता है स्वरूप का भान होता है लेकिन हम उस दशा को देख नहीं पाते हम तो संसार को ही सत्य मान रहे हैं और यह नशा उतारने की बात कर रहे हैं प्रभु का नाम प्रभु का स्मरण जिसने अपने आप को भावित कर लिया वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रहता है याद करो महाराजा श्रेणी को जिस समय कौनिक उनको सोसो सो कोड़े की मार से मरवाता था तो क्या श्रेणी के राजा विचलित होते थे क्या उनका मन बेचैन होता था क्या उनके मन में अपने बेटे के प्रति कोई दुर्भाव पैदा होता था कुछ भी नहीं कारण क्योंकि महाराजा श्रेणिक ने अपने मन को अपनी आत्मा को परमात्मा के नाम से इतना भावित किया इतना भावित किया कि उनको पीड़ा में भी प्रतिकूलता में भी उनका मन शांत रह पाया समभाव में रह पाया समता में रह पाया अपने जीवन में थोड़ी सी पीड़ा आए थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाए हाय तोबा मचा देते हैं हाय मम्मी हाय मम्मी 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 रह जाते हुए थोड़ी सी पीड़ा भी प्रतिकूलता भी हम सह नहीं कर पाते और श्रेणी महाराजा कोड़े की मार खा रहे हैं फिर भी उफ तक नहीं करी कारण उन्होंने परमात्मा के नाम से अपने आप को भावित किया था उसके पास नाम की शक्ति थी हमारे पास कौन सी शक्ति है कोई शक्ति नहीं और उन्होंने प्रभु के नाम को इतना स्मरण किया इतना स्मरण किया अपने मरेंगे तो अपने मुंह से क्या निकलेगा ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਮੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਭ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ जाते समय भी हमारा मन उसमें रमा हुआ है उस समय भी परमात्मा याद नहीं आएंगे कारण कि जिसको जिया है वो ही तो आएगा लेकिन श्रेणिक महाराजा ने किसको जिया परमात्मा महावीर को जिया अंतिम क्षण तक परमात्मा का स्मरण किया रटन किया रोम रोम में परमात्मा को रमा लिया इतना रमाया इतना रमाया कि उनके जीवन का यह प्रसंग आता है श्रेणी महाराजा की मृत्यु हो गई मृत्यु तो सबकी होती है उनकी भी हुई अंतिम यात्रा निकली शमशान में लेकर के आए, राजघाट चिता लगाई उनके शव को चिता के ऊपर रख दिया चारों तरफ से लकड़ियां लगा दी श्रेणी की बॉडी बिल्कुल चिता के बीचों बीच है चारों तरफ से घास फूस लगा दिया जैसे ही अग्निदा दिया थोड़ी ही देर में आग की लपटें उठने लगी चारों तरफ अग्नि की ज्वालाएं फैल गई और थोड़ी देर के बाद वहां जो लोग खड़े हुए थे बहुत सारे लोग आए थे वो आपस में खुसर फुसर करने लगे वैसे तो वहां और कोई काम ही नहीं होता खुसर फुसर तो आप भी करते हो वहां जाने के बाद में सभी का मिलना हो जाता है जलने वाला जलेगा अपने तो अपनी बात करे, और तेरा कारोबार कैसा चल रहा है और माल नहीं आया तेरा अभी तक अरे भाई पेमेंट रुकी हुई है बस ठीक है यही बातें करो यही नहीं पता कि जिसको छोड़ने आए हैं वो ये हमें बता रहे हैं कि एक दिन आपको भी यहीं आना है लेकिन नहीं अपनी बातें करी चलो भाई हो गया अब कल उठावनी पे जाएंगे जैन स्कूल हो जाएगा कम पूरा जैसे ही खुसर फुसर चालू हुई और उसमें से कुछ व्यक्ति कहने लगे कि भाई सुनो ध्यान से सुनो ये समय की घंटी बजी देखो 48 मिनट पूरा होने के बाद घंटी बज गई ना ध्यान से सुनो गौर से सुनो ये जो अग्नि की ज्वालाएं उठ रही हैं इन ज्वालाओं में से कुछ सुनाई दे रहे दूसरे का क्या सुन रहे अरे कान लगा के सुनो सभी ने घोर से सुना कान लगा करके सुना हैरान हो गए कारण वो जो अग्नि की ज्वालाएं उठ रही थी उन ज्वालाओं में से एक ध्वनि आ रही थी वीर 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 की ध्वनि अरे कोई जीवित व्यक्ति के मुख से महावीर का नाम निकले कौन सी बड़ी बात है अरे मरने के बाद में उसकी अस्थि और मज्जा में से भी महावीर का नाम निकले यह श्रेणिक महाराज ने रमाया था महावीर ऐसे महावीर को भजा था मर गया है श्रेणिक लेकिन रोम रोम के अंदर में महावीर इतना रमाया है एक एक रूहांटे में से जैसी अग्नि स्पर्श करती है वीर अरे अग्नि की ज्वालाओं में से भी वीर वीर की ध्वनि फूट रही है ऐसे भावित किया था महावीर को अब सोच लेना कि हमारा क्या होगा मरने के बाद में किसकी ध्वनिया आएंगी हॉरर फिल्म बन जाएगी इसलिए महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज हमें बार बार यही समझा रहे हैं कि इस अशांत संसार में यदि शांति चाहते हो तो अपने मन को परमात्मा के स्मरण में परमात्मा के ध्यान में परमात्मा के वचनों में तुम रमाओ भावित करो हर पल हर क्षण उन भावनाओं के अंदर में जुड़ जाओ हर तरह से तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण होगा सभी रोग शोक दूर हो जाएंगे हर स्थिति परिस्थिति में तुम अपने मन की चित्त की तुला को शांत और समभाव में रख सकोगे ऐसी बारह भावनाओं के ऊपर विवेचन अपना आगे बढ़ रहा है आगे की बात आने वाले समय में करेंगे आज इतना है जीवन में कैसे शांति को प्राप्त कर सकते हैं अपने मन की अनाकूलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्रत्येक क्षण को सुख रूप कैसे बना सकते हैं आज व्यक्ति पल पल अशांत है दुखी है चिंतित है परंतु उस दुख में चिंता में से भी सुख की प्राप्ति का राज क्या है वो शांत सुधार से ग्रंथ हमें बताता है शास्त्रकार भगवंत कहते हैं मान लीजिए आपको सुखी रह सुखी बनने की कला सीखनी है तो एक काम कर लो एक काम करने मात्र से ही हम जीवन के अंदर सुख का राज प्राप्त कर लेंगे आपको लगा गया रा, एक ही काम करें और सुखी हो जाएं, बिल्कुल सुखी हो जाएंगे अपनी थिंकिंग को अपने विचारों को बदलना पड़ेगा वो कैसे जो मिला जितना मिला जैसा मिला उसी में खुश रहो। आई बात की समझ जो मिला जितना मिला जैसा मिला उसी में ही प्रसन्न रहो ये सुखी रहने का एक राज है परंतु हमें नहीं रहना आता हमें जो मिला है उसमें सुखी नहीं है जो नहीं है उसके लिए दुखी मान लीजिए आपको एक लाख रुपए की इच्छा है आपके पुण्य उदय से आपको नब्बे हजार रुपया मिल गया आप सुखी के दुखी हो आपको एक लाख रुपया की इच्छा थी उसमें से नब्बे हजार मिल गए कितने बाकी रह गए आप सुखियों के दुखी हो आवाजे हाँ? अलग अलग आ रही है लो हमारे पास नब्बे हजार होते हुए भी हम प्रसन्न नहीं है परंतु इच्छा का है कि दस हजार और मिल जाए दस हजार मिल जाए दस हजार तो मैं एक लाख वाला बन जाऊंगा नब्बे हजार हमारे पास है उसका सुख नहीं दस हजार हमारे पास नहीं है उसका दुख है यह दुखी रहने का राज है मान लीजिए आपके दांत बत्तीस हैं बत्तीस दांत हैं। इसी कारण दो दांत टूट गए दो दांत टूट गए कोई पूछे क्या हुआ तो क्या बताते हैं? हाँ जी प्रधान जी बत्तीस दांत कुदरत की ओर से मिल गए उसमें से दो दांत टूट गए कोई पूछता है क्या हुआ तो क्या जवाब दोगे बोलो भाई पूछे आपको क्या हुआ दो दांत टूट गए दो दांत टूड़े बचे कितने तीस का सुख नहीं भोगेंगे वो दो दांत टूट गए ना उसका दुख भोगेंगे कोई आया क्या हुआ दो दांत टूट गए दूसरा आया क्या दो दांत आपको क्या कहना चाहिए जे अब आप लोगों को प्रवचनों के माध्यम से सीखना भाई पूछे क्या हुआ अरे कुछ नहीं केवल दो दांत टूटे 30 तो मेरे बाकी हैं ऐसा बोलेंगे अब अपनी भाषा को परिवर्तन करो जो है ना उसकी ही प्रशंसा करो उसी में खुश जो नहीं है तो छोड़ो मान लो दस उंगली है। किसी कारण से दो उंगली टूट गई किसी चीज में आ गई वो दो उंगली टूट गई खत्म हो गई अब किसी ने पूछा क्या हुआ कोई आवाज कौन सी दो उंगली टूट गई दो उंगली टूट गई बची कितनी आपके पास दस में से आठ तो है ना आपको अपने जवाब का अब अंतर लाना है इधर नहीं बोलना इधर बोलो जो है उसकी बात करो जो टूट गया चला गया छोड़ो ने उसको क्या हुआ अरे कुछ भी नहीं हुआ दो उंगली कटी अरे आठ तो मेरे पास है अब अपनी भाषा में परिवर्तन करो यही तो सुनने का सार है फिर जैसे है जी रहे वैसे वैसे जीते रहो क्या फर्क पड़ेगा ऐसे तो वर्षों के वर्ष सुनते आए हैं मान लीजिए आपने अपने ना नौकर को बोला जा बारह केले लेके आ बारह केले लेके आ वो केले ले आया उसमें दो तो बिल्कुल गले हुए थे बिल्कुल खराब थे और दस बिल्कुल तैयार थे उन बारह केले को देख करके अपने सेवक को क्या बोलोगे आपकी जो दृष्टि थी वो किसमें गई कितने अच्छे लाया खराब कितने आए आपकी दृष्टि किसमें उसको ये नहीं कहेंगे अरे लेने गया दस तो बहुत अच्छे लेके आया कि दो ही खराब आए कोई बात नहीं आगे से जाना दो भी अच्छे लेके आना ऐसा बोलेंगे अरे आने दो उसको अरे जब गया था लेने सब्जी लेने गया दिमाग कहाँ था आंखें कहाँ थी क्या देख रहा था दो तो गले सड़े ले आया तू लो दो चार गली कटी तो उसको सुना देंगे वो भी कोई काम नहीं होगा अगली बार वो छे ही अच्छे लाएगा छह खराब ही लाएगा परंतु नहीं ये शांत सुधारस हमें पल पल मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए हमें सिखाता है जो मिला जितना मिला जैसा मिला उसमें खुश रहो कई बार लड़ लोगों के घर में किसी किसी को लड़के की इच्छा होती है मान लीजिए मान लो पहले भी उसकी चार लड़कियां थी चलो पांचवी बार फिर कौन आ गई लड़की आ गई आप पूछता है कोई क्या हुआ खुशी खुशी से क्या बोलोगे हाँ जी पांचवी लक्ष्मी आई ऐसा बोलोगे चार तो लक्ष्मी पहले थी अरे पांचवी लक्ष्मी भी आ गई ऐसा बोलेंगे एक बार एक भाई बोला आती अलग अलग विचारों वाले लोग आते हैं कहीं तो हसाते भी हैं। एक भाई बोला कि हमारे घर में जितने चार पांच भाई थे ना तो सबके घरों में लड़कियां ही थी पहली 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 सब लड़कियां थी पांचवें भाई की शादी हुई उसके घर में आए तो उसने लग क्या हुआ कहता दरी बिछा दो दरी बिछा दू कहते क्यों कहते अभी सारे अफसोस करने आएंगे काहे का अफसोस का की लड़की हो गई पहले चार तो पहले थी पांच ही और आ गई कहते अफसोस करने सारे आएंगे अरे का सोचो कई ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनके घर संतान ही नहीं होती वो संतान के लिए तरसते हैं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो संतान तो हो आपके पुण्य से संतान मिली तो भी रो इसलिए हमारे शांत सुधार हमारे ग्रंथ हमको सिखाते हैं जो मिला जितना मिला जैसा मिला उसमें खुश रहो अपनी थिंकिंग को बदलना है नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी पॉजिटिव रखनी है जो मिला है उसमें बड़े परेशान है इसलिए प्रतिदिन पूजे महाराज श्री जी शांत सुधार के सुंदर ग्रंथ को लेकर के जीवन जीने की कला को सिखाए हर पल प्रसन्न रहो जही हमारे सुखी रहने का और राज किसी ने दो शब्द कह दिए कर ले क्या हो गया इधर से सुनो उधर से निकाल दो नहीं है ऐसा ना करना प्रवचन सुन के जाओ नहीं आपने तो कहा था इधर से सुनो उधर से निकाल दो प्रवचनों की बात नहीं कर रही परंतु अपने लिए जो अनुचित है जो अपने मन को परेशान करती है ऐसी बातों को इधर से सुनो उधर से निकाल अच्छी बातों को तो अंदर लेकर के आना है तो इस रीति से हम यहाँ आते हैं और त्याग की बातों को सुनते हैं गुरुओं का दर्शन करते हैं प्रभु का दर्शन करके अपने मन को प्रसन्न रखते हैं हम भी प्रतिदिन जिनवानी का पान करके अपने मन को सदैव प्रसन्न रखें इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य सुना मंगल पाठ चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन धमो मंगलम चतारी लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहू लोगोत्मा केवली पनो धमो लोघोत्तमो चत्वारिसरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवजामि साहुशरणं प्रवज्जामि केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि उपसर्गः क्षेम यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति जयतीश